सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की फर्स्ट न्यूज अबाउट फुकरैन संघ के बारे में। तो फुकरैन संघ का एक पॉडकास्ट आया है मेक मनी विद अनमोल जायसवाल के साथ, जहां पर वो बताए कि उनका म्यूजिक वीडियो बनाने का ऑफर आया था, वो भी उर्फी जावेद के साथ। आप देखिए, उर्वशी रौटेला के साथ म्यूजिक वीडियो। अच्छा, कर लो। अच्छा, मेरे को ऐसे रात को फोन आता है, उर्वशी रौटेला के साथ म्यूजिक वीडियो कर लो, कल सुबह दुबई जाना है। अच्छा, मतलब कल सुबह या परसों सुबह, ऐसे ऐसा सीन था दुबई जाने का। तो अभी उनका कोई म्यूजिक वीडियो आ भी रहा है, तो मैंने पूछा क्या है प्राइस। कहते ये तो मेरे को कहते बार्टर है। मैंने कहा क्यों बार्टर है? कह रहे यूट्यूबर का बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ कोलैब हो गया। मैंने कहा नहीं करना, बार्टर से मुझे नफरत है भाई। बार्टर की बात नहीं है भाई, एटलीस्ट हमारी ब्रांड वैल्यू तो है भाई। एक बात बताओ, तुमने हमारा नाम डालोगे, हर चीज कमाओगे, फिराओगे, तुम पैसे नहीं देना चाहते? हम प्रमोट भी उठा लिया किसी टिकटॉकर को। अच्छा, फ्री में कर रहा है वो भाई। उसके बाद मेरे को कहते चलो उर्वशी रॉ टेलीविजन में करो, किसके साथ करना है? मैंने कहा किसके साथ? कहते उर्फी जावेद। मैंने कहा नहीं करना। मैं कहा उर्फी जावेद के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना मेरे को। क्या तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा देखो, एटलीस्ट देर शुड बी अ पे, ठीक है, और देर शुड बी गुड पे भाई। यूट्यूबर देखो, हम क्या करेंगे, वो गाना आएगा, बहुत लॉजिकल बात है। कोई ये मत समझना कि आई एम एक्टिंग वेरी लाइक ग्रीडी ओवर हियर, बट आप एक बात समझना, हम इंस्टाग्राम स्टोरी डालेंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट डालेंगे, यूट्यूब पे इंटीग्रेशन देंगे। तो गाइज, नेक्स्ट अपडेट है अबाउट अमर मस्जिद के बारे में। तो अमर मस्जिद जम्मू कश्मीर के एक यूट्यूबर हैं, तो इनको किसी ने अटैक कर दिया, उनकी हालत खराब है। एंड उनके टीम मेंबर ने स्टोरी पोस्ट किया कि कुछ लोगों ने 2 महीनों से उनको थ्रेट दे रहे थे, एंड उनको सिर पर काफी सीरियस इंजरी हुई है, एंड बोन्स भी फ्रैक्चर हुए हैं। तो गाइज, नेक्स्ट अपडेट है अबाउट भुवन बम के बारे में। तो भुवन बम से रिलेटेड एक किसी ने यूजर ने शाहरुख खान से पूछा कि शाहरुख सर, हैव यू वॉच्ड ताजा खबर शोन बाय योर बॉय भुवन बम? इस पर शाहरुख सर ने कहा कि विल वॉच इट सून, एंड वहीं भुवन बम ने इसका रिप्लाई किया कि आपने इतना ही बोल दिया, मेरे लिए यही बहुत है। एंड रोहित राज ने भी रिप्लाई किया कि बन गई मेरी जिंदगी। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो पे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।